Hey guys, welcome to my channel Life is Beautiful और मैं हूँ वंदना। आज मैं आप लोगों के लिए हेयर फॉल के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। जब भी हमारा हेयर फॉल होता है किसी न किसी रीज़न की वजह से, तो हमारे बहुत ज़्यादा जो बाल हैं वो गिरने लगते हैं, उसके लिए एक रेमेडी है जो मैंने खुद यूज़ की है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, वही रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपका जो हेयर फॉल है वो बहुत ही टाइम से चल रहा है, परमानेंट है, या बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, या हेरिडिटी है, उसके लिए आप डॉक्टर से मिलिए। बट अगर वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए है, किसी ना किसी वजह से हो जाता है, मौसम की वजह से हेयरफॉल, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस रेमेडी और आप यूज़ कर लो। 101% इसका इफेक्ट पड़ता है और आपका हेयरफॉल में थर्ड वॉश में ही आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल, और आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैंने ये लिया है। वैसे मैं पतंजलि भी यूज़ करती हूँ, एक दो और ब्रांड्स है जो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे सब अच्छे लगते हैं। सो आप कोई भी ले सकते हैं अपने बालों के अकॉर्डिंग। मैंने 2 स्पून लिया है अपने बालों के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है इसमें, जिसके बिना ये रेमेडी नहीं बन सकती, वो है कैस्ट्रो ऑयल। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल, जिसके बिना ये रेमेडी बन ही नहीं सकती, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैस्ट्रो ऑयल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेयर, और ये काफ़ी हैवी ऑयल होता है, तो मैंने 1/4 स्पून लिया है। आप चाहे तो 1 चम्मच भी ले सकते हैं, आपको यूज़ करने के बाद में समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार ये शैम्पू के बाद बालों से निकलता नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है निकालना। उसके बाद फिर नॉर्मली शैम्पू करना पड़ता है नेक्स्ट टाइम, तब जाके ये 2 बार में निकलता है। दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग 1/4 और 1/2 स्पून, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, इसको डाइल्यूट करने के लिए भी अच्छा होता है और ऑयल इस रेमेडी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी कोकोनट ऑयल जो आप नॉर्मल या कोई भी नॉर्मल दूसरा हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोकोनट ऑयल ही चाहिए। देन आई एम टेकिंग अ विटामिन ई कैप्सूल, 1 कैप्सूल इज़ इनफ, और इसके अंदर का जो ऑयल है वो मैंने निकाल लिया है। उसके बाद आप सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और एक ये जेल के जैसा पेस्ट बन जाएगा अच्छे से, जिसको आप इजीली अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन सी ओवर देयर, ये सभी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाती हैं, इट विल नॉट टेक टाइम। सो रेडी टू यूज़, और बस इस तरीके से आप इसे अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि आपको ये रूट्स में अच्छे से अप्लाई करना है, आपके बालों की रूट्स में अच्छे से जाना चाहिए, और आप इसे अपने हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा कॉटन से अप्लाई करती हूँ हेड मसाज लेते हुए। और आप अच्छे से मसाज कर लीजिए और 2 से 4 घंटे तक रख के आप शैम्पू कर सकते हैं, एंड देन दैट्स इट। सो आई एम डन। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो शाइन आ रही है, नॉट इवन शाइन, शाइन के अलावा भी आपके बालों में जो क्वालिटी, जो फ्रीजीनेस शैम्पू के बाद आती है, वो इसके बाद शायद 80% तक कम हो जाती है मेरे बालों में तो। और अगर आप अपने बालों को टच करेंगे तो वो जो क्वालिटी होती है, आप जब हेयर स्पा कराते हैं तब उसके बाद आती है। सो प्लीज़ ट्राई दिस रेमेडी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि ये मुझे तो बहुत सूट करता है, और जितने भी लोगों को मैंने इसको रिकमेंड किया है, ये कैस्ट्रो ऑयल इज़ वेरी अमेजिंग फॉर हेयर, तो वो उनके हेयर फॉल को बहुत जल्दी ये कंट्रोल करता है। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। सो बाय बाय।